जय हिंद दोस्तों। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारी को अब कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी एक टेबल जारी हुई है और ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू है। 11 साल में कितनी पेंशन मिलेगी, 25 साल में कितनी मिलेगी और 35 साल में कितनी मिलेगी, पूरी डिटेल इसमें जारी जारी हुई है। बता दें, ये टेबल जो है वो यूपीएस के तहत जो मिलने वाली पेंशन है उसके लिए जारी की गई है। पहले इसके कुछ मैं मुख्य पॉइंट आपको बता दूं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत क्या इसके पॉजिटिव पॉइंट हैं और क्या इसके निगेटिव पॉइंट हैं। सबसे पहले तो कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। पक्की पेंशन है कि 50% मिलना ही है, जो आपका लास्ट बेसिक 12 महीने का कैलकुलेट करके जो लास्ट बेसिक होगा उसकी एवरेज के आधार पर 50% पेंशन, यानी कि आपको जैसी ओल्ड पेंशन स्कीम में थी उसी तरह से 12 महीने की एवरेज करके 50% पेंशन प्लस उसमें डीए मिलेगा। 25 साल की सर्विस करने के बाद ही ये पेंशन मिलेगी। पहले ये लिमिट ज्यादा थी, 33 साल सर्विस करने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को ये पेंशन दी जाती थी। ये सबसे अच्छी बात है इसमें। और कर्मचारी की मौत होने के बाद फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। पहले ये 50% प्रावधान था, अब इसकी 60% की लिमिट बढ़ाई गई है। ये भी इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट है। कर्मचारी की सर्विस 25 साल से कम है तो उनको 10,000 प्रति माह पेंशन प्लस उसमें जो डीए चल रहा है, महंगाई भत्ता चल रहा है, वो मिलेगा। 2004 से 2025 तक रिटायर हुए लोगों को मिलेगा इसका फायदा, उनको भी इसका फायदा मिल सकेगा। और सरकार का योगदान इसमें 18.5% होगा। 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी। बता दें, इसमें एक निगेटिव पॉइंट ये है कि 10% आप जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनका भी कटेगा और सरकार का योगदान 18.5% होगा। इसका मतलब ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी उसमें 10% नहीं कटता था। यही एक निगेटिव पॉइंट है। बाकी इसमें पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपको 50% पेंशन के साथ साथ 25 साल में फुल पेंशन मिलेगी। पहले ये लिमिट ज़्यादा थी। अब मैं आपको ये टेबल दिखाता हूँ कि टेबल के हिसाब से आपको कितनी पेंशन मिलेगी। सबसे पहले तो आपको मैं टेबल दिखा देता हूँ कि टोटल जो टेबल है इसमें कितनी पेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रिटायर होंगे, बेसिक पे कितना है और कितनी पेंशन अब आपको मिलेगी अगर आज रिटायर हो जाते हैं तो। फिक्स्ड पेंशन अंडर यूपीएस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जिसकी बेसिक 40,000 रुपये है एवरेज 12 मंथ, जब रिटायर होते हैं जिस साल उसके लास्ट के 12 महीने की एवरेज जो 40,000 अगर बेसिक आपकी है, ये समझ के चलिए कि लास्ट महीने की अगर आपकी बेसिक 40,000 है तो आपको बेसिक पेंशन 20,000 मिलेगी। उसमें डीए 10,653% के अनुसार आपका डीए हो जाएगा और टोटल पेंशन बन जाएगी 30,600 रुपये। यानी कि एक जो 25 साल कंप्लीट सर्विस करेंगे उनको मिनिमम पेंशन 30,600 रुपये मिलनी ही है। इसके बाद 41,000 जिनकी बेसिक है लास्ट महीने, उनको 31,365 रुपये, और 42,000 पेंशन वालों को 32,130 रुपये, 43,000 बेसिक वालों की 32,895 रुपये, 44,000 बेसिक वालों की 33,660 रुपये, 45,000 बेसिक वालों की 34,425 रुपये, 46,000 बेसिक वालों की 35,190 रुपये, 47,000 बेसिक वालों की 35,955 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके बाद 48,000 जो बेसिक है उनकी 36,720 रुपये, 49,000 बेसिक वालों की 37,485 रुपये, 50,000 बेसिक वालों की 38,250 रुपये। इसी तरह से 61,000 जिसकी बेसिक है उसको 46,665 रुपये मिलेगा, जिसमें कि 30,000 बेसिक पेंशन, 53% डीए 16,165 रुपये। और ये डीए चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, जैसे कि एआईसीपीआई के आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से आपको डीए बढ़ता रहेगा। यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम की तरह ही यूपीएस को भी उसी तर्ज पर लागू किया गया है। इसमें एक दो चीजें जो हैं जो निगेटिव जा रही हैं, जो कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो 10% कटेगा आपकी बेसिक और डीए का, तो 10% कटेगा। उसके अलावा इसमें कोई भी निगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहे हैं और बहुत ही अच्छी पेंशन स्कीम है, क्योंकि 25 साल सर्विस करने वाले को भी फुल पेंशन मिलेगी। ये थी जानकारी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।